हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे रेलवे सामान विज्ञान का मॉडल सेट 19वां पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरेला। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो दोस्तों प्लेग की जो बीमारी है वो पाशुरेला पेस्टिज बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? तो दोस्तों केंद्रक को जो है साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो दोस्तों फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? पागल कुत्ते के काटने से हाइड्रियाफोबिया नामक बीमारी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा जो है वो ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को जो है नियंत्रित रखता है? संयोजी ऊतक जो है वो शरीर के तापक्रम को नियंत्रित रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कौन सी होती हैं? दोस्तों हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ को धमनी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टिटनेस द्वारा शरीर का प्रभावित अंग कौन सा होता है? तंत्रिका तंत्र जो है वो टिटनेस द्वारा जो है प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैवाल ईस्ट अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? तो दोस्तों शैवाल ईस्ट अमीबा में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? कांच को दोस्तों कैसे प्राप्त किया जाता है? सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्या कहा जाता है? नाखूनों और बालों में उगने वाले ऊतकों को क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? दोस्तों जर्मन सिल्वर जो होता है वो जस्ता एवं निकिल की मिश्रधातु होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है? तो दोस्तों आयरन पाइराइट या आयरन सल्फाइट को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? दोस्तों एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो 10^-10 मीटर होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10^-10 मीटर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।